देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, देश गलत दिशा की ओर बढ़ रहा है, ये कहना है नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का, जिन्होंने अपनी किताब की लॉन्चिंग के मौके पर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। अमर्त्य सेन ने कहा कि सोशल सेक्टर पर मोदी सरकार ने जरा भी ध्यान नहीं दिया, जिससे आज देश भटक गया है, चीजें बेहद खराब हो गई हैं। अभी तक विपक्ष ही मोदी सरकार की नीतियों को लेकर उसे कोस रहा था, लेकिन अब तो नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी मोदी सरकार की नीतियों को लेकर उसे घेरा है। अपनी किताब भारत और उसके विरोधाभास की लॉन्चिंग के मौके पर अमर्त्य सेन ने कहा कि पहले की सरकारों के मुकाबले इस सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नहीं किया है, जिसकी वजह से देश गलत दिशा की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, देश में जरूरी बुनियादी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साल 2014 के बाद देश ने गलत दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले इस क्षेत्र के 6 देशों में भारत श्रीलंका के बाद दूसरा बेहतरीन देश था, लेकिन अब ये दूसरा सबसे खराब देश है। अमर्त्य सेन ने मोदी सरकार पर देश की जनता को असल मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज यही विरोधाभास ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार है। वैसे आपको बता दें कि अमर्त्य सेन पहले भी नरेंद्र मोदी की काबिलियत पर सवाल उठा चुके हैं। 2014 के चुनाव से पहले भी अमर्त्य सेन ने गुजरात के विकास पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनकी नज़र में राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के काबिल नहीं हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।